हेलो एवरीवन। तो अभी सुबह का समय है और आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी मैं छत पे आई हूँ, अभी यहाँ देखिए चिड़ियों को खाना देने के लिए। तो अभी मैं थोड़ा सा चावल दी हूँ और थोड़ा सा भी मतलब रोटी था तो उसे भी मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के दे दी हूँ चिड़िया को। और यहाँ मैं पानी चेंज कर दी हूँ। वैसे मेरे देवर आते हैं रोज़ देने के लिए चिड़ियों को खाना, लेकिन वह अभी नहीं है तो अभी मैं आई हूँ देने के लिए। देखिए यहाँ पे मैंने पानी और खाना दे दिया है उन लोगों को। वो लोग रोज़ आती है, चिड़ियों को भी पता है कि रोज़ उन लोगों को खाना मिलता है। तो यहाँ देखिए पानी और रोटी और चावल दे दिए हैं तो वो लोग अभी खा रहे हैं। और आज का मौसम भी बहुत अच्छा है। सुबह का समय में ऐसे मतलब छत पे आना बहुत अच्छा लगता है और खूब हवा भी चल रहा था। तो देख सकते हैं आप लोग चिड़िया आ रही है। और यहाँ देखिए गिलहरी भी है, वो भी आ रही है खाने के लिए। तो चलिए ये लोगों को मैं खाना दे दी और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। और सुबह का नाश्ता मैं पहले ही बना चुकी थी तो यहाँ अभी मैं खाना बना रही हूँ। तो यहाँ भी एक तरफ चावल चढ़ा के रखी हूँ और दूसरी तरफ अभी मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ। और अभी बच्चे भी स्कूल गए हुए हैं, रानो भी स्कूल गई है, क्रिस भी स्कूल गया है, सुबह ही चला गया था ये लोग अपने स्कूल। तो अभी यहाँ देखिए मैं अभी तेल डाली हूँ और यहाँ पर मैं अभी तो अभी यहाँ पे मैं अभी पटल फ्राई कर रही हूँ क्योंकि पटल का भी सब्जी बनने वाला है। मसाले वाला बनाऊँगी, पापा बोल रहे थे कि मसाले वाला बनाने। वैसे आज शनिवार है तो प्याज लहसुन नहीं पड़ेगा, सिर्फ अदरक और टमाटर देके बनाऊँगी। तो अभी मैं पहले पटल को फ्राई कर रही हूँ। ये पटल बहुत मतलब अच्छे से फ्राई करते हैं, हम लोग तो पटल बोलते हैं, बहुत जगह इसे परवल भी बोलते हैं। तो इसे मैं अभी अच्छे से पहले लाल करूँगी क्योंकि फ्राई करके बनाने से ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है। और यहाँ देखिए भिंडी और आलू का भुजिया भी मैं पहले ही बना चुकी हूँ। तो बस पटल हो रहा है और यहाँ मैं अदरक और टमाटर को पेस्ट करूँगी मिक्सर जार में। तो मैं यहाँ रेडी कर रही हूँ, तो चलिए इसे पीस लेती हूँ। और देखिए यहाँ पीस चुकी हूँ और इसमें मसाले भी मैं सब दे चुकी हूँ, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, जो भी मसाले होते हैं सब पाउडर दे चुकी हूँ। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा मतलब आलू काट के रखी थी धोकर, तो वो भी मैं डाल चुकी हूँ इसमें। आलू और परवल दोनों मिलाकर सब्जी बन रहा है मसाले वाला, तो इसे भी थोड़ा सा हल्का फ्राई हो जाए तो उसके बाद मैं इसमें मसाले डालूंगी। तो देखिए यहाँ पे हल्का हल्का करके फ्राई हो रहा है और यहाँ चावल भी हो चुका है। तो बस मैं उसे मार निकाल चुकी हूँ और इसे मैं थोड़ा सा गैस पे थोड़ा जो हल्का हल्का नीचे पानी रहता है वो मैं सुखा रही हूँ। तो बस वो भात भी हो चुका है और यहाँ देखिए सब्जी में मैं मसाले डाल चुकी हूँ और मैं हल्का सा इसमें पानी भी डाल रही हूँ। तो आज थोड़ा वैसे ठीक हूँ, बस आज थोड़ा सर थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है। तो अभी बस खाना वो जल्दी से बना के फिर मैं नहाने जाऊंगी। तो बस अभी सब्जी में देखते भी जा रही हूँ और थोड़ा और भी जो काम है वो भी मैं करते जा रही हूँ। तो यहाँ थोड़ा सा हल्का सा नमक डाली हूँ मैं मसाले में और यहाँ थोड़ा सा कस्तूरी मेथी दे रही हूँ जिससे टेस्ट अच्छा आता है। तो बस यहाँ थोड़ा सा मसल के यहाँ कस्तूरी मेथी दे चुकी हूँ और इसे अच्छे से मैं धीमी आँच में मैं ढक ढक कर इसे बनाऊंगी तो मसाले भी अच्छे से कसा जाएंगे। और यहाँ थोड़ा नाश्ता का बर्तन था तो वो भी मैं साफ़ कर ले रही हूँ, धो ले रही हूँ जल्दी जल्दी बर्तन क्योंकि टाइम भी हो रहा है। तो अभी चलिए बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद यहाँ थोड़ा बहुत गंदा भी हो जाता है गैस तो वो भी मैं साफ़ करते जा रही हूँ बीच बीच में। तो सारा काम हो जाएगा ऐसे ही जल्दी से। बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैं यहाँ पे दाल छोक रही हूँ और दाल में मैंने थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा काला सरसों और लाल मिर्च दिए हूँ और इसमें हल्दी नमक देकर और थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी मैं दी हूँ जो हमारे गाँच में ही होता है हमारे घर के पास। तो यहाँ पे दाल हो को मैं तड़का लगा दी हूँ और यहाँ थोड़ा सा पानी मैं इसमें दी हूँ, दाल इसी में पक जाएगा। और मैंने पहले से ही दाल भिजा के रखा था तो जल्दी हो जाएगा। तो बस यहाँ दाल भी बन चुका है।
ये देखिए क्रिस आ चुका है स्कूल से, अभी तुरंत आया है और इसे मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा कपड़ा वपड़ा खोलो और जाके नहा लो। तो ये नहा कर आता है फिर मैं इसे खाना दूंगी। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं क्रिस को खाना दे रही हूँ, तो यहाँ मैं चावल ले रही हूँ क्रिस के लिए और मुझसे बोल रही थी कि खा लो, वो तो खाने ही नहीं मांग रहा है। वो टिफिन किया तो वो उसके बाद फिर बोल रहा है कि मेरा पेट भरा हुआ, मम्मी मैं नहीं खाऊँगा। तो मैं उसे अभी बोल रही नहीं खाओ, खाना खा लो फिर थोड़ा सा आराम करना, उसके बाद फिर कराटे जाना। तो यहाँ मैं थोड़ा सा चोखा भी बनाई थी उसके लिए, वो खाने नहीं मांगता है, तो भिंडी का भुजिया। तो मैं थोड़ा नहीं, भिंडी खाता है लेकिन वो करेले नहीं खाने मांगता है। तो मैं थोड़ा सा आलू था उबाला हुआ, तो मैं उसे थोड़ा सा चोखा बना दी हूँ और भिंडी दे दी हूँ। तो चलिए इसे खाना खिला देते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। फिर कराटे है ना, ये है आज कराटे भी जाना है क्योंकि शनिवार है आज। चलो खाना खा लो अब जल्दी से फटाफट से, फटाफट खा लो। पापड़ भी भाज दिए, तुमको पापड़ बहुत पसंद है ना। इससे से नीचे आ जाओ बेटा, नीचे बैठ के खा लो। ठीक है, इसको खाना मैं खिला देती हूँ, पहले मैं खिला दूँ। हम ही खिला देते हैं खाना। तो अभी मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में और यहाँ बर्तन था थोड़ा, तो वो मैं अभी थोड़ा धो लेती हूँ और थोड़ा गैस वैस साफ़ करना है। तो अभी जो दोपहर का काम है वो भी करना होगा, तो हम लोगों का तो काम ख़त्म होता ही नहीं है। हम औरतों का काम सारा दिन चलता ही रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का समय किचन में ही बीतता है। तो यहाँ पे अभी मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ, तो बर्तन भी हो जाता है थोड़ा। हम लोगों के घर में वैसे भी बर्तन बहुत निकलता है क्योंकि बच्चे हैं। तो अभी प्रियंका और बाबू भी नहीं है इस वजह से अभी, और मेरे देवर भी नहीं है, वो देवर तो कहीं बाहर गए हुए हैं। और प्रियंका और बाबू भी, मतलब बाबू बुआ नानी के घर गया है घूरने के लिए 2-3 दिनों के लिए। तो अभी पापा और मैं और क्रिस थे, और इसके पापा भी, क्रिस के पापा भी गए हैं थोड़ा बाहर, मतलब मंदिर गए हैं शंभूनाथ मंदिर। तो अभी सावन आ रहा है इसलिए वहाँ गए हैं। तो बस हम लोग तीन को ही थे और रानो भी स्कूल गई है, तो ज़्यादा बर्तन नहीं निकला, थोड़ा ही बर्तन निकला है, तो वो मैं धो ली हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ, जो मेरा दोपहर का काम सब ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी। तो अभी देखिए यहाँ किचन में भी मैं झाड़ू लगा रही हूँ और यहाँ थोड़ा पोछा भी लगा दूँगी अभी मैं डंडे से। तो वैसे दीदी आती है सुबह में, लेकिन हम लोगों का क्या है कि दिन भर बर्तन निकलता है तो हम लोग धो लेते हैं, और रात का जो बर्तन रहता है वो हम लोग रख देते हैं, क्योंकि बर्तन तो सारा दिन ही निकलता रहता है। हम लोगों का बड़ा फैमिली है तो हम लोगों का बर्तन भी वैसे ही होता है, तो हम लोग धोते ही जाते हैं ताकि बर्तन बहुत ज़्यादा ना हो। तो चलिए यहाँ पे मेरा लगभग दोपहर का सारा काम हो चुका है और अभी मैं चलती हूँ थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, तो मैं आपसे शाम को मिलती हूँ। देखिए यहाँ साफ़ करने के बाद कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे पूरा गैस साफ़ कर दी हूँ मैं, टाइल्स साफ़ कर दी हूँ और यहाँ सोफा वोफा सब ठीक कर दी हूँ। तो अभी लाइट बंद कर देती हूँ किचन का और अभी मैं थोड़ा सा बस सोऊँगी, नहीं ऐसे ही बस थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि दोपहर के समय में कहाँ जाना होता है, कहीं जाना नहीं होता है, तो अपने बस रूम में ही रहती हूँ। तो अभी गेट बंद कर देती हूँ, बाहर धूप भी हो रहा है बारिश भी हो रहा है, तो ऐसे ही वेदर हो के रखा है। तो अभी शाम हो चुका है, शाम क्या, शाम का वही 6:30-7 बज रहा है और शाम का मैं दिया भी कर चुकी हूँ। तो पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे अभी किचन में, और यहाँ देखिए मैं थोड़ा सा आलू बॉईल किया हुआ था दिन में की थी, तो उसका मैं थोड़ा सा आलू का वो भर के मैं रोटी बनाऊंगी। तो इसमें मैं अभी थोड़ा मसाले वसाले डालूंगी, मैं इसमें प्याज व्याज कुछ नहीं दूंगी, बस ऐसे ही सिंपल सा बनेगा। तो इसे मैं अभी अच्छे से मैश कर ले रही हूँ, मैश के इसमें थोड़ा नमक मैं मिला चुकी हूँ, इसमें मिलाऊँगी अभी और थोड़ा मिलाई हूँ और थोड़ा मिलाऊँगी। तो इसे बस नमक दी हूँ और इसमें अभी मैं, देखिए ये मैं घर में ही पीस के रखी थी,
थोड़ा धनिया है, जीरा है और गोल गोल मिर्च है, काला मिर्च जो होता है उसे मैं भून के पीस के रख देती हूँ, तो ये सब में काम आ जाता है। और मैं अभी थोड़ा और नमक दे रही हूँ इसमें, और बस थोड़ा सा गरम मसाला जो हम लोग घर में बनाते हैं वो है। और इसमें इस मसाले में लाल मिर्च भी पीस के रखी हूँ, सूखा जो लाल मिर्च होता है ना वो मैं पीस के रखी हूँ इसमें। भून के सब मसाले पीस के रख देती हूँ, और यहाँ थोड़ा सा धनिया पत्ता जो था वो धोकर काट के इसमें डाल दी हूँ। बस ये बन चुका है, आलू का मसाला रेडी हो चुका है, और यहाँ मैं बस भर रही हूँ। तो अभी रानो ट्यूशन से आई नहीं है, तो अभी रानो ट्यूशन से आ जाती है तो उसे मैं दूंगी खाना, तो उसे आलू का पराठा बहुत पसंद है, तो अभी मैं उसी के लिए बना रही हूँ, बेसी नहीं बना रही हूँ, उसी के लिए मैं दो दो चार को बनाऊँगी और क्रिस भी खा लेगा। तो यहाँ देखिए मैं बना रही हूँ पराठा, तो अभी पापा तो चावल खाएंगे और परवल और मसाले वाला परवल का सब्जी रखा हुआ है, पापा उसी से खा लेते हैं, बोले हैं कि मैं उसी से खा लूँगा। तो यहाँ देखिए मैं बना रही हूँ, बस बन चुका है पराठा, तो अभी मैं जा रही हूँ दे देती हूँ क्रिस को खाने के लिए। क्रिस कराटे से आया तो वो भी बोल रहा है कि मम्मी मुझे भूख लग रहा है, तो मैं उसे थोड़ा एक पराठा बना के दे रही हूँ उसे पहले, उसके बाद मैं रानों के लिए बनाऊँगी, क्योंकि रानो अभी आई नहीं है, थोड़ा टाइम है। तो मैं बोली, मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा गर्म बना के दूंगी उसे ताकि वो खा सके। ठंडा होने के बाद ये आलू का पराठा नहीं अच्छा लगता है, आलू का पराठा या कोई भी भर के पराठा जो बनता है गर्म गर्म ही अच्छा लगता है। तो क्रिस को मैं दे चुकी हूँ, क्रिस खा रहा है, तो यहाँ मैं और थोड़ा बहुत बना रही हूँ। तो अभी मेरा रोटी सारा बन चुका है, और मैं दो तीन आलू का रोटी रख दी थी तो वो मैं अभी बना रही हूँ। और रानू अभी ट्यूशन से आई है तो वो थोड़ा सा चेंज हो कर रही है, तो मैं अभी उसे बना के दे रही हूँ, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ मैं उसे गरम बना के दे रही हूँ, और अभी सभी कोई खाना खाने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल के नए ब्लॉग में। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए बाय बाय।